ये लेके जाता है मेरे बाबा के ऊपर। 100 रुपीज़ की टिकट है, 7 बजे काउंटर खुलता है यहाँ पे। सबको डर लग रहा है, यात्रा ओवर। बहुत टफ यात्रा थी, माता के दर्शन तो बहुत इजीली हो गए, बट भैरव बाबा में तो वो एक्चुअली एक आर्मी में भैया हैं, तो उनके थ्रू एंट्री मिल गई थोड़ी अच्छी। अदरवाइज वैसे भी भीड़ नहीं थी, बट वहाँ पे क्या नाम था उसका, भैरव बाबा पे तो भाई लड़ाई हो रही थी। वो ब्लॉग नहीं बना पाया, वहाँ बनाना चाहिए था मेरे को। लड़ाइयाँ देखने में इतना व्यस्त हो गया, ब्लॉग ही नहीं बना पाया। ना एवरीबडी इज गोइंग आउट। अभी सांझी छठ जा रहे हैं, वहाँ से फिर नीचे अर्धकुंवारी। लेट मी शो यू। खच्चर हैं भाई साहब, इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, बदले में क्या मिलता है इनको, सिर्फ ये खाना, वो भी इतना बेकार, घास फूस खाते हैं। अभी इनका डिनर टाइम या लंच टाइम हो रहा है, इसके बाद वापस ये ड्यूटी में लग जाएंगे अपनी अपनी। इनको कैसे खाते हैं देखो, इसके अंदर खाना है और ऐसे गॉड, सबकी पार्टी चल रही है, पार्टी लंच टाइम, एवरीबडी इज हैविंग अ लंच। यार ऐसे खाते कैसे हैं? अच्छा नीचे करके, बहुत सारे हैं यार। लंच टाइम फॉर ऑल द खच्चर्स। खा लो भाई, खा लो खा लो। ज़िपलाइन, सो अभी हम पट्टी टॉप जा रहे हैं, वहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं घूमने के लिए। आज हमारे पास एक खाली दिन था, तो सबको बिठा लिया मैंने पीछे, देखो सब बैठे, मम्मी पापा दोनों पापा गिन्नी एंड चिल्ड्रन पार्क है, नाग मंदिर है। कितना वर्ल्ड हाईएस्ट है वो या एशिया हाईएस्ट है? क्या जी? ज़िपलाइन, वो गंडोला राइड, गंडोला राइड है, वो भी करेंगे। ये हमारे भैया हैं आर्मी में, कैंटीन में करा रहे हैं शॉपिंग फ्री में। भैया आर्मी में थे तो आज शॉपिंग करने भी आ गए कैंटीन से। ऊपर बंधवा रहा हूँ सामान, भर लिया हमने 20,000 का सामान, गाड़ी के अंदर भी है। खाना खा रहे हैं विद भैया, भैया वहाँ गए। हम आ गए हैं गंडोला राइड करने के लिए पटनी टॉप, देखते हैं कैसा है। अभी तो बहुत सबको डर लग रहा है, पापा ने तो मना कर दिया, नहीं जाऊंगा मैं। बाकी आई थिंक एशिया का सबसे हाईएस्ट गंडोला राइड पॉइंट है ये, तो आपको दिखाऊंगा अभी मैं। ये है गंडोला राइड यहाँ पे, बट एक्चुअली क्या है ना, बहुत ज़्यादा हाइट पे है तो पीपल आर नॉट गोइंग, लॉट ऑफ अदर फैमिलीज हैव ऑल्सो कम, बट वो भी सोच रहे हैं जाएंगे नहीं। और ये रहा गंडोला जो बिठा के ले जाएगा आपको नीचे। टिकट है स्काई व्यू की, हम 7 लोग हैं तो ऑलमोस्ट 6 लोग हैं तो ऑलमोस्ट 6924। नीचे होटल में एक जुगाड़ था तो वहाँ से 10% का वो मिल गया डिस्काउंट। सो दिस इज़ अ गाइड, क्या क्या करना है आपको, क्या क्या नहीं, डूज एंड डोंट्स। और नीचे जाएंगे हम, दिखाएंगे आपको सारा। ये मैप है स्काई व्यू एम्पीरियन का मैप, एवरी डिटेल इज देयर। सो दीज आर द एक्टिविटीज व्हिच यू कैन डू देयर, गंडोला, टबिंग स्लेज एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। चलो गेट रेडी, लाइन में लग गए हैं। मेरा गंडोला राइड इज कमिंग।
चलो चलो चलो, नहीं कोई बात नहीं, कहीं भी बैठने दो। सीट चेंज कर सकते हैं ना, वो इसीलिए दिया ना, हवा आती रहे भाई। ये गंडोला राइड वर्ल्ड वर्ल्ड सॉरी इंडिया की सबसे हाईएस्ट राइड है। नीचे जाएंगे, नीचे भी एक्टिविटीज वगैरह होती हैं। ये है गंडोला, वहां से आए हैं एकदम टॉप से, मजा आ गया। वर्थ है, 1000 रुपए वर्थ है। बहुत बड़ी मशीन लगी मेरे को, 1000 रुपए। नीचे आते हो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज। मैजिक कारपेट देख के आते हैं, क्या है, आओ नीचे आ रहे हैं। हिले ला रही हो यार, हिला बंद है, गिर जाएगा। कह रहा था सब आ गए गंडोला करके, मज़ा आया सबको बहुत, सबके फेसेस पे स्माइल है, जिंदा बच के आए हैं सब, जिंदा बच के आए। और ये हमारी टैक्सी, जब हम वहाँ से जाएंगे, यहाँ से नाग टेम्पल और चिल्ड्रन पार्क है, कोई पार्क है उसके आगे। बट ये वर्थ वाइल था, मज़ा आ गया, 1000 रुपये में पर पर्सन है टिकट, एंड इट्स वर्थ, मतलब आप जाके इंजॉय कर सकते। का भैया एक नाग टेम्पल के मंदिर, ये राम मंदिर का एंट्रेंस। शॉपिंग करने के लिए भी थोड़ा बहुत है, सोवेनियर्स और बहुत सारी चीज़ें। हाल ही
मनोकामना माने वो की मनोकामना पूर्ण हो जाए। अंदर के एंट्रेंस 100 साल खरीदा अपने लिए कश्मीरी खा रहे हैं बढ़िया गोल गप्पे लो तुम खाओ खाओ ना जल्दी तुम खाओ ना टेस्टी है बहुत। हाँ भैया एक और प्लेट दे दो ना कैसे सब खाएंगे गोलगप्पे करो आगे करो पटनी टॉप के गोलगप्पे शॉपिंग करिए सबने सबके चेहरे देखो टॉप गए थे वापस आ गए और अभी रात का डिनर करने आए हैं। सो ये एक होटल है स्वाद वैष्णो ढाबा। जब भी आप आ रहे हो कटरा तो रेलवे स्टेशन के पास ही ये होटल है। बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं भैया एकदम मतलब दाल खाओगे ना आप फैन हो जाओगे यहाँ के। कल हमने खाया था 6 लोग थे हम हमारा बिल आया सिर्फ 700 रुपये मतलब 100 रुपये का बिल आया डिनर का जबकि हमने इतने आइटम मंगाए थे 3-4 दालें मंगाई थी। मतलब यहाँ आके खा सकते हो वर्थ इट है और बहुत प्यार से बनाते हैं और बहुत टेस्टी है दिखाता हूँ। ढाबा है और ये हमारे भैया हैं जो बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं एकदम बढ़िया स्वाद। सो वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली वंदे भारत से। वंदे भारत आ गई है जाते वक्त तो बस से गए थे बहुत दिक्कत हुई थी सामान बहुत हो गया हमारे पास अराउंड 13-14 लगेजेस हैं बट ठीक है और मोस्ट प्रोबेबली रात के 11 बजे तक पहुंच जाएंगे दिल्ली। सो विल शो यू इंटायर क्या क्या मिलता है खाने के लिए वंदे भारत में। बढ़िया ट्रेन है नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में जर्नी वाले सभी यात्री लोग 10 मिनट करते हो आपको बॉटल मिल जाती है विद इन जस्ट 5 मिनट्स देना। ये रहा कचौड़ी और ये मिलता है आपको ये है अभी नाश्ता मिल गया थोड़ा धूप में 3 बजे 3:30 ही बजे एप्पल जूस 4700 BC का पॉपकॉर्न चाय उसका ये चाय मिलता है एंड सैनिटाइजर और एक नीचे कुछ और चाय भी आएगी ये बहुत अच्छा है क्वालिटी इज़ गुड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो डिनर आ गया है रोटी सब्जी दाल दही सबका डिनर आ गया सबका डिनर सैनिटाइजर लगा रहे हैं उसके बाद खाएंगे ये अच्छा सैनिटाइजर देने लग गए हैं ना पापा खाओ खाओ बहुत अच्छा खाना है बहुत अच्छा रोटी सबके खुल गए ऑलमोस्ट। एक घंटा ट्रेन लेट थी अभी पहुँचे हैं और अब घर जा रहे हैं रात के 12:30 बज रहे हैं।